रामाणी सर व्हेरी लर्ने स्पीकर आहे आजची मीटिंगची आपले आणि खूप सिनियर एडवोकेट आहे त्यांनी फिफ्टी सिक्स त्यांची प्रॅक्टिस झाली आहे नाईन हंड्रेड अँड सिक्स्टी फोर पासून ते प्रॅक्टिस करतोय बऱ्याच लोकांच्या तेवढी एज पण झाली नसेल कदाचित पण ही प्रॅक्टिस इयर ही लॉयर आय वुड से प्रॅक्टिसिंग आणि एकदम फुल फुल फॉर्म मध्ये साहेब प्रॅक्टिस करतात आणि ते फक्त लॉयर म्हणून प्रॅक्टिस करतात ते तर ठीक आहे पण त्यांची वेरीयस टाइप्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज आहे आय जस्ट टेल इन शॉर्ट साहेबांनी अकरा प्रकारची वेगवेगळी पुस्तक लिहिलेली आहे आणि ते अकरा वेगळे सब्जेक्ट आहे पूर्ण वेगळे वेगळे सब्जेक्ट आहे आता मी जस्ट एक वाचतोय की साहेबांनी व्हील आणि नॉमिनेशन सक्सेशन वर पुस्तक लिहिलंय डिम्ड कन्व्हेन्स वर पुस्तक uh, फैबान uh, uh, आहे त्यांच्या मग रिडेव्हलपमेंट ऑफ हाऊसिंग वर पुस्तक आहे मग एल एल पी लिमिटेड लायबिलिटी त्यांच्या पुस्तक आहे की कसे फॉर्म करायचे त्यांची राईट एल एल पी ची राईट्स वगैरे काय पार्टनरचे राईट काय आहे कॅपिटल गेन्स वर पण पुस्तक लिहिलेलं आहे साहेबांनी साहेबांच्या मी तुम्हाला सांगतो की अपार्ट फ्रॉम त्यांची हे लिगल ह्याच्यामध्ये तर आहे नॅक त्यांची पण ते इन्कम Nice. मेरा, दिखाई दे रहा है प्रेसिडेंट ऑफ नोटरी एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र श्री एस एस पी तारते सेक्रेटरी श्री अशोक वायदंडे मैं वेरी वेरी डियर फ्रेंड कीर्ति नागदा जी जिन्होंने इतना ना विस्तार से मेरे बारे में कहा श्री दिनेश दिनेश चांडिल जी और दूसरे भी जो अन्य उपस्थित सज्जन हैं उन सबको मैं पहले पहले उनका सबका अभिनंदन करना चाहता हूं और इस आज की जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है उसके लिए मैं मिस्टर तैरते का आभारी रहूंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है सचमुच बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको जानना चाहिए मैं समझता हूं बहुत से लोगों ने बहुत सी सोसाइटियां ऐसी हैं जिन्होंने इसके बारे में कभी कुछ सोचा भी नहीं और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ड्राइव भी शुरू की है प्रॉपर मेज इन दिस नंबर ये सबसे जो पहले पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि वाय कन्व इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी कन्वेस का सोसाइटीज के लिए क्या महत्व है ये महत्व विषय क्यों महत्वपूर्ण है मैं कहूँगा सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सपोजिंग यू आर एन अलॉटी ऑफ ए रेजिडेंशियल आपने कोई रेजिडेंशियल किसी सोसाइटी में लिया हुआ है और आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, आपने आपको सोसाइटी ने परमिशन दी है कि आप रेजिडेंशियल फ्लैट को कमर्शियल में कन्वर्ट करें अब बिल्डिंग बनी थी 1950 में पर बिल्डर ने कन्वेंस अभी तक दिया नहीं और प्रॉपर्टी कार्ड में सोसाइटी का नाम आया नहीं हालांकि आपको सोसाइटी ने ऑथोराइज किया है कंसेंट भी दी है कि आप रेजिडेंशियल फ्लैट को कमर्शियल में करवा डालो फिर भी आप नहीं करवा सकेंगे क्यों क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड में आपका नाम नहीं है और यही रीजन है कि रीडेवलपमेंट के लिए मतलब वो लोग बिल्डर लोग चाहते हैं कि प्रॉपर्टी कार्ड में सोसाइटी का नाम नहीं आए ताकि बिल्डर लोग अपना टीडीआर वगैरह यूज कर सके थोड़ा शॉर्ट कर दो अब इसके हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है अब ये अब पहले जो था बिफोर मतलब 2010 हजार बहुत सी सोसाइटी ने गवर्नमेंट को लिखा लोग सूट फाइल किया करते थे एज़ पर मोफा के हिसाब से पर सूट फाइल करने में खर्चा बहुत होता था और टाइम भी बहुत लगता था इसके लिए रिप्रेजेंटेशन बहुत से गए तो लोगों मतलब आ, एक मिनट इसको ये छोटा कर दे इसको एक मिनट थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इसको छोटा कर देना से छोटा वो पास में नाम आ रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा पावर पॉइंट पे छोटा कर दो ना ये

फ्टर रिसीविंग कंप्लेन अगेंस्ट द बिल्डर बहुत फॉर द कन्वियंस आपसे गवर्नमेंट ने विचार किया कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोविजन लाए ताकि कन्वेन्स जो है सोसाइटी के नाम से बहुत आसानी से मिल सके जनरल लॉ में it, हमेशा ट्रांसफर डीड होती है बिटवीन टू लिविंग पर्सन जो बेचने वाला और खरीद करने वाला उसमें सिग्नेचर जो है ओनर्स के बहुत आवश्यक होते हैं पर कई सोसाइटीज में जहां पर पुरानी सोसाइटीज बननी थी 1950-60 में ये देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने कन्वेंस डी पर सिग्नेचर किए थे वो उसका स्वर्गवास हो गया है उसके कुछ बच्चे हैं कुछ भारत में हैं कुछ भारत के बाहर हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कन्वेंस डी पे उन सबके सिग्नेचर लिए जाए तो अब इस, इस, इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत विचार विमर्श के बाद ये डिसाइड किया कि हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज अपॉइंट करते हैं उनको पावर दिया जाएगा कि जो कि लैंड ओनर्स और डेवलपर के बिहाफ से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब ये जो कंसेप्ट है section, अपने मोफा में डाला गया अब तो ये जो सब्जेक्ट है अपने डीम्ड कन्वेंस का पूरा मोफा एक्ट और रूल्स में है इसके लिए आवश्यक होगा कि हम मोफा के कुछ जो टर्म्स हैं वो और कुछ जो प्रावधान है उनको समझने की चेष्टा करें सबसे पहले जो मुख्य पहले, पहले इंपॉर्टेंट जो वर्ड आता है मोफा में वो है फ्लैट फ्लैट मीनस सेपरेट से एंड सेल्फ कंटेंट सेट ऑफ सेपरेट का मतलब होता है सेपरेट एक्सेस ग्राउंड फ्लोर से अगर फ्लैट है तो पैसे से एक्सेस मिलेगी ऊपर है तो लॉबी से मिलेगी तो सेपरेट एक्सेस एंड सेपरेट यूज एंड सेल्फ कंटेन मतलब उसके उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए सैनिटरी की कुकिंग वगैरह की तभी जाकर वो फ्लैट गिना जाएगा अब यदि किसी चाल में तीन चार फ्लैट हैं और बाहर से बाथरूम टॉयलेट वगैरह बाहर से दिया गया है तो उसको भी फ्लैट बनाने फ्लैट की डेफिनेशन में करने <coughs> के लिए समाविष्ट करने के लिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन डाला कि नॉट रिसेंडिंग द प्रोविजन इज मेड फॉर सैनिटरी वॉशिंग एंड अदर कन्वीनियंस कॉमन टू टू और मोर पर्संस द स्टिल द प्रमिसिस शेल बी कंसीडर्ड एज सेपरेट एंड सेल्फ कंटेन और उनको भी मोफा के जो प्रावधान है उनको फ्लैट माना जाएगा ताकि वो प्रावधानों का लाभ ले सके दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्रवर्तक की या प्रमोटर की है ये प्रवर्तक एस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ही कैन बी द ओनर ऑफ फ्री फ्रीओल्ड ओनर ऑफ द लैंड ही कैन बी द लेसी ऑफ द लैंड एंड ही कैन बी द डेवलपर प्रमोटर मीन्स ए पर्सन हु कंस्ट्रक्ट और टू बी कंस्ट्रक्टेड ए ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग फ्लैट फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग यदि आप अपने लिए बिल्डिंग बना रहे हैं अपने फ्लैट्स किराए पे देंगे बेचेंगे नहीं तो वो प्रोमोटर नहीं बनता और दूसरी बात उन्होंने कही है एंड वेयर द पर्सन हु बिल्ड्स एंड हु सेल्स आर डिफरेंट पर्सन टर्म विल इंक्लूड बोथ आप एक उदाहरण लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जो कि जमीन का मालिक है उसने अपने किसी बिल्डर को डेवलपर को अपॉइंट किया उसको कहा भाई बिल्डिंग में जितने बनेंगे आधे आधे तुम बेचना आधे मैं बेचूंगा बाकी सब खर्चा तुम करोगे जमीन मेरी होगी तो ऐसे केसेस में जब डीम्ड कन्वेंस के लिए या कन्वेंस के लिए सूट या एप्लीकेशन फाइल की गई थी तो लैंड ओनर ने कहा भाई हम तो डेवलपर नहीं है हम तो प्रमोटर नहीं है तो आप हमको पार्टी नहीं बना सकते तो कोर्ट में ये जो फरहत को आपने सोसाइटी मलकानी एंटरप्राइज में ये व्यू लिया उन्होंने कहा कि आप देखिए पर्सन बिल्ड्स एंड सोसाइटी वर्सेज मलकानी एंटरप्राइज और ऐसे कई और भी केस हैं जहां पर अक्सर देखा गया है कि फैमिली ओन्ड लैंड है तो वो अपनी कंपनी बना लेते हैं कंपनी बिल्डर और फ्लैट्स बेचते हैं तो जो ओनर होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई हम तो ओनर हैं हम तो जमीन के ओनर हैं हम प्रमोटर नहीं है तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जमीन के जो ओनर हैं वो भी प्रमोटर गिने जाएंगे और डीडीआर को पावर रहेगा कि जमीन के ओनर के लिए जितने भी इन टाइटल हैं उन सबकी ओर से यूनिलेटरल डीड में साइन करके प्रॉपर टाइटल सोसाइटी को पहुंचाए अब हमेशा जो एग्रीमेंट होता है नॉर्मली एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जनरल लॉ ओवरल एग्रीमेंट हो सकता है जनरल लॉ अगर हम लोग कोई लैंड का एक्ट मतलब कोई बनाए एग्रीमेंट तो जरूरी नहीं है कि टर्म्स बीस परसेंट के बाद रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है ये सब बातें कैसे होनी चाहिए क्या क्या मतलब मैंडेटरी क्लॉजेस होनी चाहिए ये वो सब जनरल लॉ में अप्लीकेबल नहीं होता लेकिन मोफा में ये कायदा बनाया गया है कि एग्रीमेंट शुड बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म फायर और उसके अंदर कुछ क्लॉजेस ऑब्लिगेटरी हैं अनिवार्य है अब एग्रीमेंट हैज हैजू बीन राइटिंग ओरल नहीं बन सकता इट शुड बीन कन्फर्मेड इथ फॉर्म फायर गिवन इन द रूल्स और कुछ क्लॉजेस बहुत मैंडेटरी हैं उसमें से देखा जाए तो सेक्शन 41 ए कहता है कि ये अनिवार्य होगा कि कॉमन एरिया भी प्रिस्क्राइब किया जाए उसको बताया जाए कॉमन एरिया क्या होता है और कॉमन एरिया हालांकि मुफा में नहीं पर महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में डिफाइन किया गया है उसके अनुसार लैंड भी कॉमन एरिया में आता है यदि कॉमन एरिया के आप इंटरेस्ट स्पेसिफाई करेंगे तो मतलब पूरी एफ खत्म हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है लेकिन बिल्डर अक्सर ये कॉमन एरिया अब जो ज्यादातर बिल्डर जो होते हैं वो अक्सर जिसने बिल्डिंग पहले बनाई वो नहीं चाहते कि सोसाइटी मालिक बने और खास करके जब से ये टीडीआर का कंसेप्ट आया है तो बिल्डरों ने मतलब अपना सोसाइटी अपना कोशिश करते हैं कि टीडीआर भी जहां पर यदि साथ में कोई गार्डन हो तो हम डाल हम अपना बना डालें तो वो अपनी FSI यूज़ करना चाहते हैं बैलेंस एडिशनल एफ एंड टीडीआर इसके बारे में हमें आवश्यक होगा कि हम सेक्शन सेवन जो है उसको थोड़ा समझ लें का सेक्शन सेवन कहता है प्रमोटर नीड्स कंसेंट ऑफ कंसेंट परचेजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ हिज फ्लैट यदि किसी व्यक्ति ने कोई फ्लैट लिया है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन करना चाहे तो मोफा प्रमोटर उसके व्यक्ति की परमिशन के बिना सहमति के बिना नहीं कर सकता और यदि उस बिल्डिंग में कोई एडिशन करना चाहे प्रमोटर नीड कंसेंट ऑफ ऑल दर्चेजर्स ऑफ एडिशनल स्ट्रक्चर ये ओल्ड था इसके बाद एक केस में ऐसा हुआ कि कल्पिता एनक्लेव बड़ी जमीन थी लेआउट का लैंड था बिल्डिंग बनी तो सोसाइटी ने प्रमोटर के ऊपर स्टे ले लिया कहा भाई परचेजर आपने जो एडिशनल स्ट्रक्चर बना रहे हो हमारी परमिशन के बिना नहीं बना सकते तो ये मैटर काफी चला और उसके बाद कॉमर्स हाउस का भी जजमेंट आया बाद में गवर्नमेंट ने अमेंड किया बारह ग्यारह छियासी को सेवन सेक्शन सेवन और सेवन ए डाल दिया कि प्रमोटर कैन कंस्ट्रक्ट एडिशनल स्ट्रक्चर और बिल्डिंग इन ए इफ द द आर बाय अथॉरिटी एंड एडिशनलोज टू द परचेजर और ये जो व्यू है प्रमोटर कैन कंस्ट्रक्ट एडिशनल स्ट्रक्चर पहले इसका था इसकी जो व्याख्या की है बहुत सी कोर्ट्स ने की है और जयंतीलाल इन्वेस्टमेंट वर्ष मधु विहार में इस सेक्शन सेवन सेवन ए की बहुत मतलब माइन्यूटली व्याख्या की गई है इसके अनुसार यदि शुरू में से प, 1980 में बिल्डिंग बनी उस समय थी चैम्बूर जैसे पॉइंट फाइव एफ एस आई थी बिल्डर ने पूरी एफ एस यूज कर ली और लेआउट प्लान के हिसाब से कुछ भी एफ एस बाकी नहीं रही बाद में जब एफ एस पॉइंट फाइव की एक हो गई और आजकल टीडीआर भी अलाउड हो गया चैंबूर के एरिया में तो कई लोगों ने कई बिल्लों ने चेष्टा की कि वो एफ एस भी अनकंज्यूम्ड एफ एस को दे दें तो यूज कर लें और टी डी आर भी यूज करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में मधु विहार के ये कांदीवली का केस है इसके अंदर ये कहा कि भाई नहीं यदि आपने अपने प्लान डिस्क्लोज किए हैं लेआउट प्लान डिस्क्लोज किया है अप्रूव्ड है डिस्क्लोज किया है तो आप वो स्ट्रक्चर उसके बाद नहीं बना सकते ये उसके आगे नहीं जा सकते और एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है क्योंकि बिल्डर चाहते हैं कि उनको टीडीआर का बेनिफिट वो यूज करें लेकिन सोसाइटीज को चाहिए ये मधु विहार का सोसाइटी का जजमेंट और रविंद्र मुतनेजा वो जजमेंट जरूर पढ़ लें रविंद्र मुतनेजा वर्सेज भवन कॉरपोरेशन में ये साफ लिखा है उन्होंने जजमेंट में कि यदि बिल्डिंग बन गई है एस पर प्लान जिस जब बिल्डिंग बनी थी जिस प्लान को देखकर लोगों ने फ्लैट लिए हैं यदि उसके अनुसार बिल्डिंग बन गई है और तो और उसके बाद बिल्डर को कोई हक नहीं रहता कि एडिशनल एफ यूज करे वो वो एफ चाहे कन्वेंस हो या ना हो उस सोसाइटी की गिनी जाएगी बड़ा ये नहीं आ रहा हा hmm. अब हम आते हैं सेक्शन ग्यारह पर क्योंकि जिसमें साफ लिखा है टू कन्वे द टाइटल ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग उस जमीन तथा इमारत का जितना भी टाइटल है कन्वियंस है उसको सोसाइटी को देना चाहिए यदि नहीं देता तो सोसाइटी को अधिकार रहेगा कि डीम कन्व में जाके ऑर्डर और सर्टिफिकेट ले और अपना प्रॉपर्टी कार्ड दुरुस्त करवाए अब 2010 में इसके रूल्स आए थे उसके बाद कई सर्कुलर नोटिफिकेशन आते गए लेकिन आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण सर्कुलर आया है वो जीआर निकला है वो 2018 22 बाईस जून 2018 को गवर्नमेंट ने डीम कन्वेंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट जीआर आर इश्यू किया है। अब उस जीआर के अनुसार डीम कन्वेन्स पाने के लिए हर सोसाइटी को चार स्टेज से गुजरना पड़ेगा पहला पहला है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सेवन जो एप्लीकेशन है पहले तो हम लोग केवल ऑफलाइन हार्ड कॉपी फाइल करते थे अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फाइल करनी पड़ेगी एडजुडिकेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी उसका निर्णय होना चाहिए अभी निर्णय कितना स्टैम्प ड्यूटी कितनी आती है हरे क्या है? मैं आगे चल के उसके ऊपर डील करता हूं रजिस्ट्रेशन ऑफ डीम कन्व डी और यदि डीम्ड कन्वेंस दी रजिस्टर हो गई तो उसके बाद आप जाएंगे रेवेन्यू अथॉरिटीज में और अपना प्रॉपर्टी कार्ड अपने नाम से करवा लेंगे एक बार आपने अपने नाम से प्रॉपर्टी कार्ड करवा लिया तो आप सचमुच आप लीगल ओनर उस प्रॉपर्टी के बन जाते हैं अब सबसे पहले जो स्टेप आता है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर डीम्ड और केवल वही सोसाइटियां हैं जो डीम कन्वेयंस की फाइल कर सकती हैं, जो महासरकार महासहकार मतलब तो गवर्नमेंट की महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है महा डॉट महाराष्ट्र महाराष्ट्र डॉट गवर्नमेंट इन में रजिस्टर्ड हो यदि नहीं है तो वैसे भी सोसाइटी को रजिस्टर करना चाहिए महासहकार पर।, पर यदि नहीं है तो पहले पहले सोसाइटी को महासहकार की साइट पर जानकर जाकर के अपनी सोसाइटी को रजिस्टर कराना परम आवश्यक है अब ये जो फॉर्म आप देखते हैं ऑनलाइन सोसाइटी एनरोलमेंट एप्लीकेशन है इसका भरना बहुत जरूरी है और इसमें जो आप भरेंगे ये जो महासहकार डॉट महाराष्ट्र डॉट महा गवर्नमेंट डॉट इन ये तब ऑनलाइन सोसाइटी एनरोलमेंट फॉर्म मिलेगा वो आपको भरना पड़ेगा उसके साथ कुछ फॉर्म अनेक्सच देने पड़ेंगे जो मैं आपको बताता हूं इसमें जो है आपको अपनी सोसाइटी की ईमेल देनी पड़ेगी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा कौन सा वार्ड है वो बताना पड़ेगा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी एड्रेस ऑफ द सोसाइटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन

कि ये वैलिडेशन आपकी सोसाइटी का कर दे वो जब वैलिडेशन करते हैं तो उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेवन में फाइल कर सकेंगे अब यदि आपने वहां सोसाइटी में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद वैलिडेशन भी करवा लिया तो उसके बाद आपको डीम कन्वीन जो मैनेजमेंट सिस्टम है अप्लीकेशन फॉर डीम कन्वेंस ऑनलाइन फॉर्म नंबर सेवन तथा आपको देने पड़ेंगे ये आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है उसकी वेबसाइट का अब जो के साथ कौन -कौन से मैं उसका भी आपको वर्णन शॉर्ट में कर देता हूं अप्लीकेशन इन फॉर्म सेवन फॉर डीम कन्व कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर्टिकुल्लिक रिगार्डिंग डीम कन्व पहले आपको जितनी भी लैंड ओनर वगैरह प्रोमोटर डेवलपर है सबको नोटिस देना पड़ेगा कि आप प्लीज हमको कन्वे कर दो नहीं तो हम लोग डीम कन्वे में जाएंगे कमेंसमेंट सर्टिफिकेट था ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट यदि नहीं हो तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पहले से एक्चुअली लिखा हुआ था पुराने सर्कुलर में इफ अवेलेबल किंतु कुछ अथॉरिटीज ने ये भी लिया कि ऑब्लिगेटरी है और खास करके कैंपा कोला सोसाइटी में जब उनको ऑर्डर मिला कैंपा कोला में जरा मुश्किल था वो हम हमने हमारी ऑफिस ने हमने काम किया था तो हमने ऑर्डर लिया उसके बाद जब

कोर्ट फीस से हमें दो हजार रुपए की देनी पड़ती है वो हम चाहें तो ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें लेकिन दो हजार रुपए गवर्नमेंट कोर्ट फीस का मिलना चाहिए और सोसाइटी को सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि सभी जो है डॉक्यूमेंट हमने फाइल किए हैं वो सब सच्चे हैं ठीक है सही है अब एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल हो गई तो उसके बाद आपको फिर से ऑफलाइन भी फाइल करनी पड़ेगी अब उसमें जो एक एप्लीकेशन फॉर डीम कन्विंस इन फॉर्म नंबर सेवन विथ शोइंग पेमेंट ऑफ कोर्ट फी और जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल की थी वहां पर एक डीसी नंबर जनरेट होता है वो कॉपी ऑफ द फॉर्म नंबर सेवन अलोंग विद डीसी नंबर ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एक कोई भी एक ओनरशिप एग्रीमेंट जो आपने एंटर किया है बिल्डर के साथ वो इंडेक्स टू आपको देना पड़ेगा फाइनल सेंक्शन प्लान ले आउट प्लान विच ये सब आपको चीजें देनी पड़ेगी फिर डीडीआर की ऑफिस एक्टिवेट हो जाती है डीडीआर के ऑफिस में जब देखते हैं कि फॉर्म नंबर सेवन मिल गया है तो उसको वेरीफाई करते हैं कोई डिटेल अधूरी तो नहीं कोई चीज बाकी तो नहीं यदि उसमें कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो फॉर्म नंबर एट देती है सोसाइटी को फॉर कंप्लायंस कंप्लायंस के बाद जब सब चीजें कंप्लाय हो जाती हैं रिक्वायरमेंट सब मिल जाती हैं उनको तो डीडीआर की ऑफिस फॉर्म नंबर टेन इश्यू करती है ही नोटिस के लिए एंड कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मर गए हैं कुछ बिल्डर के ऊपर उनकी ऑफिस बंद हो गई है नोटिस सर्व नहीं हुआ हियरिंग में जब नहीं आते तो फॉर्म नंबर थर्टीन डीडीआर पूछ कहते हैं सोसाइटी को आप पब्लिक नोटिस बनाइए फॉर्म नंबर थर्टीन जो अखबारों में आना चाहिए दो अखबारों में ताकि कोई ये ब्लेम नहीं कर सके कि हमने सर्विस बराबर नहीं की तो फॉर्म नंबर थर्टीन भी दिया जाता है यदि नोटिस सर्व ना हो और अपोजिट साइड वाले बिल्डर और लैंड ओनर अपियर न हो तो उस हालात में फॉर्म थर्टीन भी दिया जाता है जब हियरिंग होती है सेटिस्फेक्शन हो जाता है डीडीआर को तो डीम कन्वेंस का ऑर्डर और सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है ये एक स्टेप हमारा उसमें पूरा हो जाता है अब दूसरी बारी आती है एक आपने डीम कन्वेंस का ऑर्डर ले लिया डीम कन्वेंस का सर्टिफिकेट लिया अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो चाहिए क्योंकि कई एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पूरी भरी नहीं होती अब उसमें एडजुडिकेशन स्टैम्प ड्यूटी होना आवश्यक है उसके बिना कोई भी कन्वीनस रजिस्टर नहीं हो सकता अब जब हमें एड, मतलब डीम्ड कन्वेंस का ऑर्डर और सर्टिफिकेट मिल जाता है सोसाइटीज को तो सोसाइटी को एक प्रपोज कन्वेंस बनाना पड़ जाता है और डीडीआर को बताना पड़ जाता है और जब डीडीआर उनको अप्रूव करता है उस कन्वेंस में कोई मिस्टेक उनको ठीक लगती हो तो अपने सुझावों के साथ ठीक करने के बाद अपने कवरिंग लेटर के साथ वो डीम कन्वें का ड्राफ्ट जो होता है अप्रूव ड्राफ्ट वो अपने एडजुडिकेशन के लिए कलेक्टर को भेजते हैं अब जब कलेक्टर के पास आता है तो पहले पहले कलेक्टर ये देखता है कि उस समय जमीन की जितनी एफ एस अवेलेबल थी बिल्डर ने पूरी एफ का कंज्यूम किया है नी यदि अनयूज एफएसआई है तो उसकी मार्केट वैल्यू आपको देनी पड़ेगी और उसके बाद जितने भी एग्रीमेंट हैं सब एग्रीमेंट्स पे स्टैंप ड्यूटी बराबर दी गई है या नहीं दी गई है वो सब चेक कर किया जाता है और ये जो स्टैंप ड्यूटी का कंप्यूटेशन है इसके बारे में आईजीआर ने 12 अप्रैल 2012 में एक सर्कुलर इशू किया था उसके अनुसार मतलब उसकी एडजुडिकेशन हर एक एग्रीमेंट का होता है और जितनी डेफिशिएंसी इन स्टैम्प ड्यूटी है वो और बैलेंस एफएसआई की वैल्यू मिला के आपको डिमांड नोटिस दिया जाता है सोसाइटी को वो भरने के बाद डीम कन्वेंस आदमी आगे रजिस्टर कर सकता है अब ये एडजुडिकेशन के लिए भी थोड़ा समझ लेना आवश्यक है एफ तो मार्केट वैल्यू में मतलब वैल्यूशन आसानी से हो जाता है प्रॉब्लम कहाँ आता है कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है 1960 सौ समझ लीजिए सत्तर की बिल्डिंग बनी हुई है कुछ फ्लैट सत्तर में गए कुछ अस्सी में गए कुछ नब्बे में गए अब हरेक की वैल्यूएशन अपने अपने प्रकार से होगी अब एक बात है कि सबसे पहले आप समझ लीजिए यदि आपके एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हैं तो आसान हो जाता है काम यदि अनरजिस्टर्ड है तो जरा थोड़ी मुश्किल बढ़ जाती है यदि आपके एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो स्टैंप ड्यूटी इज पेबल ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू या ये जो है ना पहले पहले क्या होता था तीन जुलाई 1980 तक हम एग्रीमेंट में जो वैल्यू लिखते थे में जितना अमाउंट डालते थे उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती थी अपरन कंसरे के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती थी लेकिन फोर्थ जुलाई 1980 से बॉम्बे स्टैंप एक्ट में अमेंडमेंट आया एक डी मार्केट वैल्यू का डाला गया आपने लिखा हमारा लैंड जो है तीन करोड़ का है और उन्होंने वैल्यू किया चार करोड़ तो आपको चार करोड़ के ऊपर ही स्टैंप ड्यूटी लगती थी तो ये डीम्ड मतलब ये मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट आया फोर्थ जुलाई यदि आपका एग्रीमेंट तीन जुलाई अस्सी के पहले का है तो अपहरण कंसेन पर स्टैप ड्यूटी लगनी चाहिए ज्यादा नहीं मार्केट वैल्यू पे नहीं और यदि अब उसके बाद आया में, आया 10 में अमेंडमेंट क्योंकि बहुत से लोग पहले तो ट्रांजैक्शन पांच रुपए बीस रुपये पेपर पर लोग करते थे अब 10 बारह पचासी से आर्टिकल 25 का अमेंडमेंट आया उसमें उन्होंने कहा यदि आप एग्रीमेंट ओनरशिप एग्रीमेंट करते हैं उसमें पदेशन इज गिवन टू तो बी गिवन और बीन गिवन, कुछ ऐसे लिखा हुआ हो तो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव को हम लोग ओनरशिप एग्रीमेंट को हम लोग करेंगे और उसके ऊपर चूंकि हम कन्वियंस ट्रीट करेंगे उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी की लाइबिलिटी आ जाती अब सवाल है किसी ने इक्यासी बयासी में फ्लैट लिया अब, अब उसने एविडेंस उसको फिर एविडेंस देना पड़ेगा अब एविडेंस दिया तो स्टैप ड्यूटी लगेगी ऑन द इफ एविडेंस इज गिवन देन ड्यूटी ऑन द देन प्रिविलिंग लिया तो बयासी की मार्केट वैल्यू पे लगेगी और उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी यदि आपने एविडेंस अपने ऑक्यूपेशन का रहने का परचेज करने का नहीं दिया आपने सपोजिंग फ्लैट परचेज किया है और आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया और वो चेक नंबर आपकी बैंक स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है तो ये एविडेंस सफिशियंट है ये नहीं है बैंक एविडेंस पेमेंट का तो आपको फिर कोई वहां पर फ्लैट आपने किया उसका एविडेंस देना पड़ेगा मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हो उसी फ्लैट का इनकम टैक्स का ऑर्डर हो सेल्स टैक्स का ऑर्डर हो वैट का ऑर्डर हो ड्राइविंग लाइसेंस हो इस प्रकार के जो प्रूफ है जिनको गवर्नमेंट मान्य करती है वो सब आपको एविडेंस देना पड़ेगा अगर आप एविडेंस दे सकते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी उन्नीस सौ वगैरह पे लगेगी जो अब सवाल आता है फ्लैट जो इतने एग्रीमेंट हुए दस बारह पचासी के बाद के सपोजिंग सौ बयानवे का आपने फ्लैट किसी ने लिया यदि वो मैंने वैसे पहले बताया एविडेंस दे देता है तो बयानवे की मार्केट वैल्यू लगेगी लेकिन नौ बारह पचासी के बाद यदि आपने फ्लैट लिया है चूंकि स्टैंप ड्यूटी कंपलसरी थी मतलब एग्रीमेंट वॉज बींग ट्रीटेड एस कन्वेंस, इसके लिए स्टेम ड्यूटी कंपलसरी थी आपने नहीं भरी है पचासी के पहले नहीं थी कंपल्सरी लेकिन 10 दिसंबर पचासी से कंपल्सरी बन गई इसके लिए आपको एविडेंस देंगे तो मार्केट वैल्यू प्लस 400 परसेंट पेनल्टी भी लगेगी यदि एविडेंस नहीं देंगे तो जिस दिन आपने डीम कन्वेंस की एप्लीकेशन फाइल की थी उस दिन की मार्केट वैल्यू लगेगी फिर पेनल्टी नहीं लगेगी अब हो गए सब एग्रीमेंट पूरे हो गए तो क्या करना है एक कई बार सवाल आता दो हजार का जो इन्होंने सर्कुलर है आईजीआर ने उसमें निकाला है कि जो पुराने एडजुडिकेशन के लिए आपको पुराने एग्रीमेंट नहीं देखनी है बारह चार दो हजार बारह के बाद जो ट्रांजैक्शन होती है उसको देखना है पुरानी भूल जाएंगे अब बारह चार बारह तो आज बीस इक्कीस में हम लोग पहुंच गए अब एक सवाल उठता है यदि किसी परचेजर ने दो हजार बीस में फ्लैट लिया और जिससे फ्लैट लिया उसने 2014 में फ्लैट लिया था और उसने स्टैंप ड्यूटी नहीं भरी थी अब जिसने 2014 में फ्लैट लिया वो पता नहीं कहां चला गया मैंने फ्लैट लिया था 2020 में मैंने स्टैंप ड्यूटी बराबर भरी थी अब जो आई डी आर जो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के ऑफिस में अभी तक पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि वो लोग कहते हैं नहीं दो की आपको स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी क्योंकि 2012 की जितनी ट्रांजैक्शन हुई है तो इस बारे में एक लाजमंती गोदवानी बंबई हाईकोर्ट का केस हुआ जिसमें श्री गौतम पटेल जस, जस्टिस गौतम पटेल ने कहा कि कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है कोई पुराने एग्रीमेंट पे जाए जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उसको स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी पुराने जो मेंबर हैं उसके बारे में आप इंक्वायरी नहीं कर सकते अब ये सारी प्रक्रिया में मतलब एप्लीकेशन फाइल करना जितनी चार स्टेज बताई गई हैं सबसे मुश्किल जो है एडजुडिकेशन है यदि सौ फ्लैट है तो आप समझ लीजिए हमारी एक सोसाइटी है बेलस्कॉट सोसाइटी वर्सों में चौरासी फ्लैट है ढाई साल हो गए हैं काम अभी तक अभी आज होगा कल होगा ये बड़ा मुश्किल काम है अब इसमें समस्याएं कई आती हैं एग्रीमेंट कुछ एग्रीमेंट अब ऐसे हैं कि पुराने हैं बहुत पुराने हैं और कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी हैं जो केवल अलॉटमेंट लेटर के आधार पर लिए गए मतलब लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं ऐसे एग्रीमेंट वो कहते हैं कि आपने ड्यूटी भरी नहीं इसलिए आपको पूरा मतलब प्रॉब्लम का कर, खड़ा करते हैं लोग अभी कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट गुम कर दिए अब कुछ एनआरआई के के केस में उन्होंने फ्लैट लिया वो साल में एक बार आते हैं उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं एविडेंस ही नहीं है उनके बाद ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना रहने का प्रूफ है ना कुछ है वो दे नहीं पाते अभी जो सर्कुलर है बारा चार बारा का पार्ट टू -टू, जैसे मैंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ये गलत पोर्शन है और लाजवंती गोदवानी केस में उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा गौतम पटेल ने बड़ा रिवेल रिवेल्ड ऑर्डर दिया है कहा ये नहीं होना चाहिए और दूसरी बात क्या होती है जहां जो फ्लैट बिल्डर ने अपने पास रखे हैं उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती ये थोड़े छोटे मोटे बातें होती हैं एडजुडिकेशन में अब ये सब स्टैंप ड्यूटी भर दी गई तो उसके बाद एडजुडिकेशन के बाद डीम कन्वीनर डीट पे हम लोग मतलब साइन करवाल के तो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को भेजी जाती है उसके बाद हम लोग डीन कन्वेंस में डीडीआर के सिग्नेचर लेते हैं और वो डीन कन्वेंस डीड सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए भेजी जाती है अब एस पर जो तो जो 22 जून का जीआर है, उसके अनुसार यदि बैलेंस एफ एस आई नील है और आर्किटेक्ट आपने सर्टिफिकेट दे दिया और आपके सभी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हैं, तो सब रजिस्ट्रार का कर्तव्य बन जाता है कि बिना किसी एडजुडिकेशन के अपने उस डीम कन्वीन डीड को रजिस्टर करें लेकिन मैंने सुना है कि प्रैक्टिस में ये सब रजिस्ट्रार डरते हैं पता नहीं क्यों वो कहते नहीं भाई आप करवा के लाओ उसके बाद मैं आपकी एडव को रजिस्टर करूंगा नहीं तो वो लोग नहीं करते रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में डरते हैं पता नहीं क्यों हालांकि जो 22 जून का गवर्नमेंट का जीआर है 18 का उसके अनुसार ऐसी डीट को फिर से कलेक्टर को भेजा जाएगा कलेक्टर को लगा कोई ड्यूटी को नहीं भरी है तो वो पेनल्टी वसूल करेगा पर फिर भी मैंने जैसे कहा ये अक्सर ये ऐसे होता नहीं है अब उसके बाद एक बार आपकी कन्वेंस भी रजिस्टर हो गई इंडेक्स टू मिल गया तो आपका एटी 90 परसेंट काम तो हो गया अब ये आपको इसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड आपके नाम से होना आवश्यक है तभी आप लीगल ओनर आपकी सोसाइटी मानी जाएगी इसके लिए सिटी सर्वे ऑफिस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा अब एक में गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला था कि लैंड ओनर्स को और बिल्डर को सिटी सर्वे ऑफिस को नहीं बुलाना चाहिए यदि डीम्ड कन्वेंस ऑर्डर अगर मिल जाता है तो डीम्ड कन्वियंस ऑर्डर मिलने के साथ उनको भी इंटीमेशन जाता है रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार अश्योरेंस और सिटी सर्वे ऑफिस यदि उनको कोई आपत्ति है तो उनको इन्फॉर्म करना चाहिए डीडीआर को और उनको उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो नोटिस इशू करें और पार्टीज को बुलाएं लेकिन ये भी अक्सर देखा जाता है बहुत कम और इसके लिए आपको चाहिए यदि आपने सोसाइटी का डीम कन्विंस लिया है तो कन्वेंस डीड जरा सोच समझ के बनाए बहुत केयरफुली बनाए और जिस व्यक्ति का नाम प्रॉपर्टी कार्ड में आता है वो आपका मतलब उसका नाम होना आपके डीड में अत्यंत आवश्यक है यदि उसका नाम डालेंगे और उसके बाद चेन ऑफ डॉक्यूमेंट बनाएंगे प्रॉपरली सोसाइटी तक तो ई म्यूटेशन भी हो सकता है और कई कुछ सब सिटी सर्वे ऑफिसर बहुत अच्छे होते हैं वो अगर देखते हैं तो ई म्यूटेशन भी करते हैं पर कई लोग हियरिंग उनको अच्छा लगता है हियरिंग बुला के नोटिस देते हैं उसके बाद ही प्रॉपर्टी कार्ड ट्रांसफर करते हैं अब क्या किया जाए ये सब चलता रहता है अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से आजकल मुफा तो मैंने बहुत चर्चा कर दी डिस्क, डिस्कस कर लिया लेकिन थोड़ा बहुत मैं समझता हूं जब तक हम लोग रेरा के बारे में नहीं बोलेंगे तो शायद ये हमारा विषय कई लोगों को अधूरा लगेगा अब रेरा में यदि देखा जाए तो सेक्शन 17 है उसमें कहता है कि प्रमोटर टू ऑफ अपार्टमेंट इन फेवर ऑफ यदि बिल्डिंग बनी है तो जो फ्लैट है उसका कन्वींस परचेजर को मिलना चाहिए और जो लैंड और जिम ग्राउंड पोडियम फ्लोर वगैरह का कन्वीन अलॉट मतलब सोसाइटी को मिलना चाहिए ये सेक्शन सेवनटीन है पर इसको बॉम्बे के जो रेरा रूल्स है महाराष्ट्र में उन्होंने काफी डाइल्यूट कर दिया अब सेक्स रूल नाइन टू टू कहता है पीरियड ऑफ कन्वेंस इन केस ऑफ बिल्डिंग इन ए सिंगल प्रोजेक्ट यदि एक ही प्लॉट है एक ही बिल्डिंग है तो कन्वेंस एक ही सोसाइटी के नाम पर होना चाहिए और वो ओसी आने के बाद तीन महीने के अंदर उनको कर देना चाहिए अगेन सवाल आता है फिर लेआउट में बट अक्सर जितना कॉम्प्लिकेशन आते हैं लेआउट प्लाट में आते हैं अब कन्वेज इन केस ऑफ लेआउट अब लेआउट में यदि सिंगल बिल्डिंग बनी है या सिंगल विंग बना है तो उस स्ट्रक्चर का उस स्ट्रक्चर का ऊपर के स्ट्रक्चर का कन्वेंस सोसाइटी को दिया जाएगा एक्सक्लूडिंग बेसमेंट पोडियम एंड लैंड और जितनी कॉमन एरियाज़ हैं वो एपेक्स बॉडी को उसका कन्वेंस दिया जाएगा लेकिन एक उसके बाद रूल नाइन थ्री में कहता है यदि प्रमोटर कन्वेंस नहीं देता एज पर रूल नाइन टू कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर सकता है और अथॉरिटी प्रमोटर को डायरेक्ट करेगी कि कन्वेंस दो और उसके बाद जो रूल नाइन फोर आता है कि उसमें साफ लिखा है कि सोसाइटी कैन आल्सो ऑप्टेन डीम कन्वियंस अंडर मोफा तो रेरा में भी डीम कन्वियंस अंडर मोफा का प्रावधान है इसके लिए हमें जरा भी कोई शक शंका संदेह आसंदेह भ्रम विभ्रम कुछ नहीं होना चाहिए और हम लोग आराम से मोफा की जो प्रक्रिया है उसको कंटिन्यू कर सकते अब एक बात ध्यान रखिएगा नेरा डज नॉट रेरा डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ डीम कन्वे तो उसमें साफ और रूल नाइन फोर में क्लियरली लिखा हुआ है कि सोसाइटी कैन आल्सो ऑप्टेन डीम कन्वे अंडर मोफा इसके लिए हमारे ख्याल से जो मोफा में भी चल रहा है डीडीआर के पास जो ड्राइव चल रही है ये बहुत अच्छा कदम है मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं आप लोगों को जितनी मैं आज तक मैंने जितनी भी एप्लीकेशन दी है लगभग सभी में हमने मतलब ऑर्डर लिया है कोई दिक्कत नहीं होती हाँ कुछ कुछ प्रोसीजर में जैसे स्टैंप ड्यूटी में कहीं कहीं प्रॉब्लम लग जाता है बाकी डीडीआर के ऑफिस में तो मैंने बहुतों से डील किया सुभाष पाटिल जी थे मस्के बसके मस सा महेंद्र बसके थे कैलाश जेबल सब बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर हमें मिले हैं कैंपा कोला कर टिकुले ने किया था बड़े आराम से कोई दिक्कत नहीं है और जिन सोसाइटी के पास ये नहीं है कन्वे मैं उन सबको अर्ज करूंगा कि प्लीज आप अपनी ओनरशिप अधिकार को मत गंवाइए जितना जल्दी हो सके किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क कीजिए और अपने आप को लीगल ओनरशिप से वंचित मत कीजिए लीगल ओनरशिप बनेंगे तो आपके बहुत लाभ होंगे एडिशनल जो मिलेगी वो सब आपको मिलेगी और उसमें बिल्डर को आपको दिक्कत आप अड़चन नहीं पा सकेगा धन्यवाद यस सर yes, मेरा लेक्चर तो पूरा हो गया